दिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापने पासून नवीन वास्तू, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। वर्क यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज, जैसा नाम वैसा ही काम। समूचे विश्व के लिए, विश्व के हर व्यक्ति को शांति मिले, मदद मिले, इस उद्देश्य से काम करने वाली संस्था है वर्ल्ड, जिनका मानना है हमारा पूज्य एक परमेश्वर, हमारी जाति मानव जाति, हमारा गौरव हिंदुस्तान, हमारा सपना अखंड भारत, हमारा संकल्प युग परिवर्तन। इस संस्था की महिला विंग द्वारा भी कई सारे जनहित के कार्य किए जाते रहे हैं, जिसके तहत 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन जलगांव बस अड्डे पर स्वच्छता कर्मचारियों को सम्मान देते हुए उन्हें भोजन करवाया, साथ ही कुछ बर्तन भी भेंट स्वरूप दिए गए। इस वक्त वहां पर महापौर जयश्री महाजन, मनपा आयुक्त विद्या गायकवाड़, आरोग्य अधिकारी श्री तांबे की मौजूदगी रही थी। ठीक इसी तरह से वर्क की महिला विंग ने दशहरे के अवसर पर खुशियां मनाने के लिए गरीब बस्ती का चयन किया और गरीब बस्ती में जाकर लोगों को हलवा बनाने की सामग्री बांटी और अपनी खुशियां वहीं पर सेलिब्रेट की। 9 अक्टूबर को ईद ए मिलाद के मौके पर वर्क संस्था की महिला विंग ने सरकारी दिव्यांग केंद्र में बच्चों को वर्क वुमेन विंग की ओर से खाना खिलाया, साथ ही अब्दुल हादी नामक एक बच्चे के जन्मदिन का केक वहां पर बच्चों के साथ काटकर जन्मदिन मनाया। इस वक्त वर्क के महिला विंग की इशरत जहां, आमेना शेख, निकहत शेख, आफरीन खाटिक, आयमन खाटिक, मसीरा शेख, अदीना शेख तथा अन्य पदाधिकारी समेत कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही थी। जलगांव से जकी अहमद की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।